का एबीपी गंगा में मैं हूं आपके साथ प्राची पारश्य। वक्त हो गया है इस वक्त की सबसे बड़ी बहस का, जिसमें पूछे जाएंगे वो सवाल जिनके उत्तर मांगता है प्रदेश। तो आज सवाल है लव जिहाद का, जिसकी काट योगी सरकार ने निकाल ली है और सदन से धर्मांतरण बिल भी पास हो गया है। लेकिन कई सवाल बाकी हैं कि क्या वाकई इस कानून से लव जिहाद के मामले खत्म हो जाएंगे, क्या यूपी की बेटियों को जिहाद की साजिश से छुटकारा मिल जाएगा, उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। हालांकि इस कानून पर विपक्ष को शिकायत है, उनकी दलील है कि यह कानून समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लिए है, लेकिन ये सच है कि लव जिहाद की बात को नकारा नहीं जा सकता। मेहमानों से सवाल जवाब होंगे, आपको इन सवालों का उत्तर भी मिलेगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश में उत्तर प्रदेश वो राज्य बना है जहां लव जिहाद अब अपराध है, क्योंकि ये विधेयक काफी हंगामे के बाद यूपी सदन में पास हो चुका है। इंतजार है तो अब राज्यपाल के हस्ताक्षर का, जिसके बाद ये विधेयक कानून की शक्ल ले लेगा। हालांकि ये बिल पास होने के वक्त विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने इस कानून का खुलकर विरोध किया, यहाँ तक कि विधेयक की कॉपियां सत्ता के विधायकों ने सभापति पर फेंक दी, लेकिन सपा का विरोध कानून को पास होने से नहीं रोक पाया। बता दें कि यूपी में धर्मांतरण कानून पहले ही बन चुका है, लेकिन पहले अध्यादेश लाकर बिल को मंजूरी दी गई और फिर राज्यपाल की सहमति के बाद इसे कानून बना दिया गया। पर अध्यादेश के नियमों के मुताबिक सरकार को 6 महीने के भीतर सदन में बिल पेश करके प्रस्ताव पास कराना होता है। अब इसी नियम के तहत बारी बारी से दोनों सदनों के पटल पर यह विधेयक रखा गया और पास करा लिया गया। दरअसल इस कानून से उन बेटियों को सुरक्षा मिलेगी जिन्हें एक धर्म विशेष के लोग धोखे से शादी कर लेते थे और फिर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा लेते थे, लेकिन अब यूपी में ऐसा करने वालों की शामत आनी पक्की। तभी तो लोगों में इस कानून से खुशी साफ झलक रही है। मेरे हिसाब से ये कानून से मेरी पूरी सहमति है, क्योंकि जो जबरन धर्म परिवर्तन लोगों का कराया जाता है और बहुत समय से होता आ रहा है, उसके मैं खिलाफ था और हूँ। तो मेरे हिसाब से ये कानून जबरन धर्म परिवर्तन वालों के खिलाफ जो बनाया गया सरकार ने, वो अच्छा कानून है मेरे लिए। सर, जो इस पे कानून बनना चाहिए कि जो जो भी हो ओपन करके शादी करें, जो दोनों लोग राजी हों तो शादी हो, घर के लोग भी सहमत हों तो शादी हो, तब ये सही है सर, अन्यथा सर। सर देखिए, बेसिकली क्या है ना कि जो फैसला लिया है उन्होंने वो मैं बहुत हद तक सही भी है, तो मैं बाकी लड़कों से निवेदन ये करूँगी कि जो ये हरकतें करते हैं वो ना करें। मैं इस सरकार के फैसले से बहुत समर्थन मतलब मेरा है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि लड़के फेक आईडी बना के उनको लड़कियों को टीज करना। यूपी में लव जिहाद करने वाले अब किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। इस कानून में अलग अलग प्रावधान है, क्या कहता है कानून जरा इसे भी समझ लीजिए। लालच, झूठ बोलकर या जोर जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन या शादी के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। नाबालिग अनुसूचित जाति जनजाति की महिला के धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा होगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले सामाजिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धर्म परिवर्तन के साथ अंतर धार्मिक शादी करने वालों को साबित करना होगा कि उसने इस कानून को नहीं तोड़ा है। लड़की का धर्म बदलकर की गई शादी को शादी नहीं माना जाएगा। जबरदस्ती प्रलोभन से किया गया धर्म परिवर्तन संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। इस कानून को तोड़ने पर कम से कम 15,000 रुपए जुर्माना और 1 से 10 साल तक की सजा होगी। यही काम नाबालिग या अनुसूचित जाति या जनजाति की लड़की के साथ करने में कम से कम 25,000 रुपए जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा होगी। गैर कानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन से कम 50,000 रुपए जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा होगी। धर्म परिवर्तन के लिए तयशुदा फॉर्म भरकर 2 महीने पहले डीएम को देना होगा। इसे न मानने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और कम से कम 10,000 रुपए जुर्माना होगा। मतलब अब यूपी में जबरन धर्म परिवर्तन करने वाले पर कड़ा एक्शन होने वाला है। इसकी एक बड़ी लकीर यूपी सरकार ने खींच दी। आने वाले दिनों में यह कानून दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्यार में धोखा किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है और ये धोखा ना हो इसीलिए ये कानून बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो देखिए, धर्म के नाम पर धोखा ना हो, यही कोशिश रहेगी इस बिल के जरिए जब ये कानून बन जाएगा कि इस पर रोक लग सके। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, हीरो वाजपेयी साहब, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। स्वागत है हीरो वाजपेयी जी आपका एबीपी गंगा पर। सवाल मेरा यही है कि जब ये हित में है कानून, जब ये इस चीज को रोकने के लिए है कि धोखाधड़ी ना हो धर्म के नाम पर, और जिस तरीके से एक खेल चल रहा है लव जिहाद का, उसे रोका जाए, तो फिर इसका विरोध क्यों कर रहा है विपक्ष? क्या वजह समझ में आती है? देखिए, विपक्ष इस समय माना जाए तो भ्रमित है। और उत्तर प्रदेश में जो भी कानून, देखिए कानून किस लिए बनाया जाता है? समाज के भले के लिए, जनता के हित के लिए, समाज में कुरीतियों को मिटाने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए कानून और दंड का प्रावधान किया जाता है कि इस तरह की कुरीतियां, बुराइयां जो लोग कर रहे हैं उन पर दंड लगे, आर्थिक भी और शारीरिक दंड भी, कि उस पर सजा का प्रावधान भी। इस बिल में भी यही किया गया है कि आप इस तरह से जो इसको जिहाद मान रहे हैं, लव जिहाद जो वर्ड है, वो देखिए माना यह जा रहा है कि धोखे से, फुसला कर, लालच से, बहला कर आप किसी लड़की, चाहे वो नाबालिग हो, दलित हो या लड़की सामान्य हो, उसको बहला फुसला कर पहले उससे ब्याह करते हैं और फिर उसको धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करते हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाया गया। और उत्तर प्रदेश में मानता हूँ कि हम लोग भाग्यशाली है कि हमारे प्रदेश में कानून आया है और अब राज्यपाल की संस्तुति के लिए गया हुआ है। और इस तरह की जो कुरीति है, जो अराजक तत्वों के द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह के जो कुकृत्य किए जा रहे थे, उन पर अंकुश लगाने में ये कानून काम आएगा। और मुझे लगता है विपक्ष कुल भ्रमित है। किसी की बेटी पर अत्याचार हो और उस पर अगर कोई जो अत्याचारी हो उसके खिलाफ कानून बनाना, मुझे लगता है ये सरकार का दायित्व, सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। सरकार अपना केवल प्रलाप कर रहा है और सरकार ने कानून भी बनाया। जैसे आप कह रहे हैं कि ये कानून जो है इस उत्तर प्रदेश में उन बेटियों के लिए है जिन बेटियों के साथ धोखा होता है, लेकिन विपक्ष तो कुछ और ही आरोप आप पर लगा रहा है कि आप किसी धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके के कानून बनाकर। नहीं, देखिए विपक्ष लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करता आया है, भ्रम में रखता है, मुसलमानों को वोट बैंक समझकर उनको केवल ये दिखाने की कोशिश करता है कि सरकार आपके खिलाफ खड़ी है। मुझे लगता है लगातार विपक्ष चुनाव हार रहा है, वो ये समझ नहीं पा रहा है कि अब धर्म जाति के नाम पर वोट नहीं पड़ता। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक लाभार्थी वर्ग खड़ा किया है। लाभार्थी जो लाभ, जो सरकार की योजनाओं का लाभ जिन तक पहुंच रहा है वो सरकार के लिए वोट करते हैं और उसमें कहीं जाति धर्म नहीं आड़े आ रहा है। इस बात से विपक्ष हैरान और परेशान है कि सरकार के कार्यों के द्वारा जो सरकार को आशीर्वाद और विश्वास जनता का मिला हुआ है उसमें भ्रमित करने का काम करता है। लगातार इतने सालों से मुसलमानों को ये पार्टियां वोट बैंक समझती रही और उनको भ्रमित करने का कार्य करती रही। इस वाले भी जो आया है कानून, इसमें भी उनको डराने, धमकाने और भय पैदा करने का काम कर रही। मुझे लगता है कि अब ये कौम भी पढ़ाई लिखाई कर रही है, समझदार हो गई है और सरकार की योजनाओं का लाभ ले रही, वो इनके भ्रम में नहीं फंसने वाली है। बिल्कुल हीरो वाजपेयी जी, लेकिन देखिए सवाल एक ये भी है कि सरकार जब कोई विधेयक लेकर आती है, सरकार जब कोई कानून बनाना चाहती है, तो नहीं लगता आपको कि विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए? क्योंकि विपक्ष तो लगातार ये आरोप लगाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ वही करते हैं जो आपके लिए सही होता है, आप विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं, आप चर्चा भी नहीं करते हैं, तरह तरह के आरोप आप पर लगते हैं। क्यों सदन से ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जिसमें आज प्रतिया तक फेंक दी समाजवादी पार्टी ने? नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी लगातार, मैंने कहा ना, भ्रम का शिकार है। किसी की बेटी हो और उस पर अत्याचार हो, मुझे लगता है राजनीतिक दल किस तरफ सोच रहे हैं। जब बेटियों पर अत्याचार के लिए कानून बना है और जो धोखा दे रहे थे, लालच से, झूठ से, फुसला कर और इस तरह का अत्याचार कर रहे थे, उसके लिए अगर कानून बनाए तो मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों को समर्थन देना चाहिए। और हिंदुस्तान का कानून इतना ट्रांसपेरेंट है कि जो दोषी होगा उसको सजा होगी और जो दोषी नहीं होगा उसको सजा नहीं होगी। तो इसलिए इस पर कानून पर विश्वास करना चाहिए और समाज के अच्छाई के लिए इस कानून को स्वीकार करते हुए सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि सरकार ने इनिशिएटिव लिया अपनी बच्चियों को बचाने के लिए। ठीक है, सरकार ने इनिशिएटिव लिया बच्चियों को बचाने के लिए, लेकिन एक और सवाल है जो विपक्ष उठा रहा है, वो ये है कि कैसे आप ये सुनिश्चित करेंगे कि ये जो कानून अब उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा तो इसका मिसयूज नहीं होगा और किसी एक धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया जाएगा? कैसे सुनिश्चित करेगी आपकी सरकार? मुझे लगता है कि जब भी कानून बनता है और उसमें दंड के प्रावधान होते हैं तो ये एक
ऐसा प्रावधान होता है कि उससे भय होता है कि अगर हम कोई गलती करेंगे तो हमें आर्थिक दंड पड़ेगा, हमें जेल हो सकती है। और इसमें भी आप देखिए, इस कानून में 1 से 10 साल की जेल है और 10,000 रुपये जुर्माना है। अगर वही बच्ची नाबालिग हो, दलित हो, तो 25,000 रुपये जुर्माना है और 3 से 10 साल की जेल है। मुझे लगता है कि जब तुलसीदास जी ने लिखा था कि भयबिन होए न प्रीत, तो ये केवल कानून उन लोगों के लिए है जो कानून तोड़ेंगे और कानून की मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, इस तरह बच्चियों के साथ अत्याचार करेंगे। कानून केवल उन पर लागू कराना भी समाज के सभी लोगों पर इस कानून का कोई असर नहीं करने वाला। इसका जवाब अभी तक आपने मुझे नहीं दिया। बहरहाल चर्चा में प्रियंका गुप्ता जी को भी शामिल कर लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। स्वागत है आपका प्रियंका जी एबीपी गंगा पर। सवाल यही है, देखिए अभी हीरो वाजपेयी जी बता रहे हैं कि ये जो कानून वो लेकर आ रहे हैं, ये कानून कितना सही है उन बच्चियों के लिए जिनके साथ धोखा होता है, तो फिर इस पर विरोध क्यों है विपक्ष का? जिस तरह से उन्होंने ये कानून बनाया है, तो क्या आपको लगता है कि धर्म विशेष छुपा कर क्या सिर्फ शादियां की जाती हैं और कोई जो है अपराध नहीं किए जाते? अगर आपको ये लगता है कि धर्म छुपा कर कोई भी अपराध करता है, तो मतलब चोरी करे तो ठीक है, पर डकैती करे तो जो है आपको जो है परेशानी नहीं हो रही है? चोरी करे तो आपके लिए जो है आपने सजा बनाई है? आप बना रहे हैं तो सब सारे अपराधों को एक समान रखिए ना। आप बना रहे तो ये बनाइए ना कि धर्म छुपा कर अगर कोई भी अपराध करता है तो आप उसको दंडित करेंगे। और आप ये बताएं कि अब राजनीतिक पार्टी जहां से जो है हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उस पार्टी में बड़े बड़े राजनेता, आप केंद्रीय मंत्री की बात कर लीजिए, 11 महिलाओं ने उन पर जो है शोषण का जो है आरोप लगाया। आप ये बताइए कि अपनी मंडल अध्यक्ष हैं, उनको ऊपर जो है रेप का केस लगा। इनके एक विधायक हैं, उनके ऊपर रेप का केस है, वो जो है मर्डर का केस है, वो अंदर है। आप ये बताइए चिन्मयानंद जो है, उनके वीडियो वायरल है। ऐसे लोगों के लिए इन्होंने कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया? आपको बनाना चाहिए था। आप ये भी बनाते हैं कि हमारे जो राजनीतिक दल है अगर उसमें कोई भी इस तरह की महिला के खिलाफ कोई भी अपराध करता है, ठीक है प्रियंका जी, देखिए आपकी चिंता वाजिब है, ठीक है वाजिबी, बड़े बड़े नाम है, ठीक है प्रियंका जी, आपकी चिंता वाजिब है कि उस पर भी कानून बनना चाहिए, लेकिन जो कानून अभी बन गया उसे तो स्वीकार कर लीजिए। कि वही मैंने कहा कि अगर कोई अपराध होता है तो अपराध कहीं भी होता है, अगर नाम छुपा के कोई भी जाति को छुपा कर अगर कोई भी अपराध करता है तो हम कहते हैं कि ठीक है आप उसको सजा दीजिए। प्रियंका जी उसकी मांग आप रखिए सरकार के सामने, लेकिन अभी जो कानून बना दिया उसे तो स्वीकार कर लीजिए, उस पर क्या आपत्ति है? नहीं तो आपत्ति इनको क्या है, इनको अपराध को सभी अपराधों को समान श्रेणी में क्यों नहीं रखना चाहते? ठीक है प्रियंका जी, देखिए वाजपेयी जी कह रहे थे कि आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, सरकार का सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध किया जाता है। मनोज पांडे जी को भी चर्चा में ले आते हैं, ठीक है प्रियंका जी आपकी बात आ गई, मनोज पांडे जी को भी चर्चा में ले आते हैं, पूर्व मंत्री सपा सरकार। मनोज जी, किस बात का विरोध आप लोग कर रहे हैं अगर उन बेटियों के लिए कानून बन रहा है जिनके साथ धोखा होता है, धर्म के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ हो जाता है, तो किस बात का विरोध है? आने दीजिए कानून इस प्रदेश में। देखिए इसमें मैं 2 मिनट का आपसे समय चाहता हूं, इसको समझना पड़ेगा। देखिए भारत के संविधान में अनुच्छेद अगर आप 20, 19 और 22 राइट टू प्राइवेसी, इसमें हर व्यक्ति को अपनी तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। निजता के अधिकार में सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अभिव्यक्ति की हमें आजादी है, अपनी तरीके से जीवन जीने की हमें आजादी है। जो परसों विधानसभा में लाया गया, मैं विधायक हूं, मैंने इसका उसमें भी विरोध किया था जी। जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक 2021 लाया गया है, हम ये पूछना चाहते हैं इसमें नई चीज क्या है। हम आपसे भी ये जानना चाहते हैं कि भारत की आईपीसी में और सीआरपीसी में अगर कोई व्यक्ति नाम बदल करके धर्म को छिपा करके अगर कोई कृत्य और कार्रवाई करता है तो 419, 420, 467, 468 ये धाराएं पहले से प्रदत्त हैं। अगर अच्छा होता कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कानून लाई होती कि कोविड केस में जिनकी आयु पूरी हो गई और वो नौकरी में अपना फॉर्म नहीं भर पाए उनको 1 साल की अवधि बढ़ाई जाती है, अच्छा होता कि कोविड के समय 22,936 जो लोग बेरोजगार हो गए नए, सरकार ये कानून लाती कि रोजगारों के लिए, ठीक है मनोज जी, यानी और तमाम कानूनों का जिक्र यहाँ पर होगा, लेकिन अगर कोई कानून सरकार लेकर आ रही है जिस पर दावा कर रही है सरकार की बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा है धोखा वो रुकेगा, उसके खिलाफ है विपक्ष। हीरो वाजपेयी जी अब आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि देखिए दोनों आपके जो विपक्षी सहयोगी हैं उन्होंने अपने अपने सवाल उठाए,
और मनोज जी का ये कहना है कि जब पहले से ही प्रावधान है भारत के कानून में तो फिर आप नया कानून क्यों लेकर आ रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? देखिए, लगातार आपने देखा होगा कि आईपीसी और सीआरपीसी बने बहुत लंबा समय हो गया और तमाम ऐसे अपराध नए नए तरीके के आने लगे जिनमें इन धाराओं के तहत कड़ाई नहीं हो पाती थी, इसलिए एक स्पेशलाइज्ड कानून बनने लगा। जैसे आपने देखा होगा साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के लिए अलग धाराएं बनाई गई, अलग तरह का क्राइम है। इसी तरह का कानून ये लव जिहाद भी है जिसमें धर्मांतरण होता था, इस तरह की चीजें होती थी, इसलिए कानून हमेशा घटनाएं या अपराध के तरीके बदलते रहते हैं समय के साथ और उस पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून बनाना पड़ता है। मुझे लगता है कानून किसी निर्दोष को कभी सजा नहीं देता, जो दोषी होंगे वही दंडित होंगे। तो विपक्ष बेकार परेशान है कि कोई कानून बन गया है किसी निर्दोष को सजा दे। कानून हमेशा देश के कानून का सबने सम्मान किया, देश के न्यायालयों का सब राजनीतिक दल सम्मान करते हैं और मुझे लगता है जो कानून बना है वो किसी निर्दोष को सजा देने के लिए नहीं है। कि देखिए, जब अपराध सामने आते हैं तो फिर उसके लिए एक अलग तरीके का कानून बनाना पड़ता है कड़ाई के लिए, ताकि उन अपराधों को रोका जा सके। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जब हमारे पास इस तरीके के किए गए अपराध में, यही बात सीआरपीसी और आईपीसी में जिन शब्दों में मैं कह रहा हूं उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति, धर्म और अपना सही नाम छिपा करके कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे अपराध कारित होता है, उसके खिलाफ सीआरपीसी और आईपीसी की धारा 419, 420, 467 के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर आप इस पर बात करें तो जो भारत का संविधान है, जो निजता का अधिकार देता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 देखिए मनोज पांडे जी, लेकिन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता ना कि उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिसमें बेटियों के साथ धोखा हुआ है। निजता के अधिकार पर कौन यहाँ पर, और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात आपकी जानकारी, ठीक है मनोज पांडे जी, देखिए आपकी बात भी सामने आ गई, ठीक है आपकी बात भी सामने आ गई। बहरहाल बात यह है कि इस चीज का विरोध हो रहा है, सरकार हालांकि इस कानून को लेकर आई है, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमल में कैसे लेकर आया जाएगा और इसका क्या फायदा इस प्रदेश को पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ उत्तर मांगे प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर नए मुद्दे के साथ चर्चा होगी इस खास बुलेटिन में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।